अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DIY मेकअप रिमूवर। जी तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी DIY मेकअप रिमूवर कैसे बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूं कि मैं होममेड रेमेडीज़, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करती हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मैं कौन सी आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बना सकती हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक और चीज़, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं नीचे दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेकअप रिमूवर मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कुछ मेकअप रिमूवर मार्केट्स में जो मिलते हैं वो कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ बजट फ्रेंडली भी होते हैं। 1000-1500 मेकअप रिमूवर आपको मिल जाते हैं, वाइप्स मिल जाते हैं, कुछ जो हैं 500 रुपीज़ के। मुझे गार्नियर का बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पिंक वाला, लेकिन ये भी 500-600 के बॉटल में होता है। कुछ जो बिगनर फ्रेंडली होते हैं या फिर जो अफोर्डेबल मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कभी कभार किसी के लिए ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये मैंने लिया था 549-550 रुपीज़ का मैंने ये लिया था, लेकिन किसी किसी के लिए ये भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान सा हल लेकर आई हूँ। तो अच्छा, मुझे मेकअप रिमूव करने के लिए आपको एक एम्प्टी बॉटल चाहिए होगी। ठीक है, मैंने गार्नियर की ही ले ली है। उसके बाद आप लोगों को एलोवेरा जेल चाहिए होगा। एलोवेरा आप जो है बाज़ार वाला है ना, यही वाला लेना, क्योंकि वो वाला लेंगे ना आप लोग प्लांट वाला, ये होगा कि जल्दी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने जब भी यूज़ करा तो इसमें ही यूज़ करा, और प्लांट वाला मैंने यूज़ करा तो उसमें ना थोड़ी स्मेल आ गई थी इसलिए। और उसके बाद आप लोगों को चाहिएगा रोज़ वाटर तो घर में, और एलोवेरा जेल हर किसी के घर में तकरीबन होता है, और नहीं भी होता तो आप लोग ले लो। अच्छा, ये पूरी बॉटल आप लोगों को मिल जाएगी। कम से कम मैंने ली थी 120 रुपीज़ और ये मैंने लिया था 250-350 समथिंग का। ठीक है, ये इतना बड़ा ले लोगे ना आप लोग, इतना सारा टाइम चलेगा, मतलब इससे भी ज़्यादा बनेगा। मैंने इतना सारा ये बना लिया है, ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है। अब इसकी एक छोटी वाली भी मिलती है, वो 150 या फिर 120 रुपीज़ का मिल जाएगा, और रोज़ वाटर भी 50-60 रुपए का मिल जाता है कम से कम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाएगा। सही है, एम्प्टी बॉटल चाहिए होगी। अच्छा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, ठीक है, मिनिमम। आप अगर एलोवेरा जेल कितना यूज़ करो, 2-1 टेबल स्पून ये डाल रहे हैं आप लोग अगर एलोवेरा जेल, तो अंदाज़न आप लोग लंबे रोज़ वाटर डाल लो। देखो, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप 1 टेबल स्पून डाल रहे हो तो रोज़ वाटर आप लोग इतना रोज़ वाटर आप लोग ऐड कर लो। ठीक है, ये देख लें, मैं अंदाज़न ऐड करती हूँ, कभी भी मैंने टी स्पून का नहीं रखा। सही है, ये मैंने इसमें डाल लिया एलोवेरा जेल, ये मैंने इतना इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, मेरा ख़त्म हो गया था, मैं बनाने लगी तो मैंने बोला क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ अपना एलोवेरा मेकअप DIY मेकअप रिमूवर। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई करें यार घर पे, और मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को ये DIY मेकअप रिमूवर कैसा लगा मेरा। ठीक है, ये आपने इतना एलोवेरा जेल यूज़ कर लिया, एलोवेरा जेल डाल लिया, और आप लोग सेकेंड डालेंगे इसमें रोज वाटर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें इतना ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं इसको और बना लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती रहती हूँ, जैसे जैसे मुझे यूज़ होता है मैं उतना ही बना लेती हूँ, मैंने कभी भी फुल नहीं बनाया, फुल मैं बनाती भी नहीं हूँ। अच्छा, इसको अब हम अच्छे से बंद कर देंगे और इसको हिला लेंगे। ये देखिए ये पूरा हो गया मिक्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका डेमो भी दूंगी लगा कर कि ये कैसे लगता है। सही है, ये है मेरी मिस रोज की ग्लॉस। अच्छा जी, तो मैंने ये, मेरे पास है मैट ग्लॉस, ये बहुत अच्छा ग्लॉस है। और चलें, अच्छा अभी मैं ये ग्लॉस आप लोगों को मैट ग्लॉस इधर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और साथ पे मैं एक लिपस्टिक भी आप लोगों को अप्लाई करके दिखा दूंगी कि लिपस्टिक भी हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है। सही है, अब ये ड्राई हो जाए फिर मैं वापस आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये रिमूव होगा। अच्छा, एलोवेरा जेल अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो वो इतना, ये टेबल स्पून आप लोगों के घर में स्पून होते हैं,
एक टेबल स्पून ये डाल लो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लो, तो बहुत अच्छे से हमारा रोज़ वाटर थोड़ा सा बन जाएगा। आप जैसे जितना भी अप्लाई करना चाहो, ठीक है, अगर आप इतना बनाना चाह रहे हैं तो 3 टेबल स्पून ये डाल लें और बाकी का आप रोज़ वाटर ऐड कर लें, सही है। तो अब ये ड्राई हो जाता है, फिर मैं वापस आके आप लोगों को ये DIY मेकअप रिमूवर से रिमूव करके दिखाती हूँ। जी तो ये हो चुका है रिमूव, सॉरी ये हो चुका है ड्राई, ये देख लें, ठीक है, ये देख लें, मैं ये खाली हाथ से इसको ये देख लें, ठीक है। लिपस्टिक ड्राई सही से नहीं हुई है, तो लिपस्टिक भी मैं फिर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं है इसलिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस को हटाना कितना कभी कभार ना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी, ठीक है। अब मैं लूँगी टिश्यू, टिश्यू ले लें, कॉटन ब्रेड ले लें, आप लोग जैसे भी आप लोगों को सही लगता हो वो चीज़ आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये मैंने लिया, सही है, ये मैंने लिया इतना, और अब मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, ये देखें ये रिमूव होना स्टार्ट हो गया, सही है। अब मैं थोड़ा क्योंकि मैंने ले लिया था ज़्यादा, ये देख लें ये रिमूव होना शुरू हो गया, यहाँ से सब चीज़ें रिमूव हो गई हैं, और अब मैं इसको भी आप लोगों को रिमूव करके दिखाती हूँ, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाएं, ये जो है ना इससे रिमूव नहीं हो रहा, ये टूट रहा है, ये देखिए बल्कि ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा ले लिया इसलिए जो है ना ये नरम पड़ गया टिशू। कॉटन पैड्स वगैरह लेना आप लोग तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैंने अभी कॉटन पैड मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने अभी टिशू ले लिया इसलिए। और ये देख लें ये रिमूव होगा, ये देख लें कितने अच्छे से रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये देख लें, ये देख लें मेकअप रिमूव हो चुका है, ये देख लें कितने अच्छे से ये रिमूव हो गया है, ठीक है जी, ये कितने अच्छे से रिमूव हो चुका है। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।